कॉपी करते हैं, कैसे हम लोग पेस्ट करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमें अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करना होगा, तो हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें एमएस वर्ड को ओपन करना होगा। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए दोबारा वही प्रोसेस करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद एमएस ऑफिस को हम लोग सर्च करेंगे। ऑफिस को सर्च करने के बाद एमएस वर्ड 2010 को सेलेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको देखिए स्क्रॉल करके हम यहाँ पे सर्च करेंगे एमएस वर्ड 2010, यहाँ ओपन हो गया। इसमें हमें ये पढ़ना है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कैसे करते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए हम यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं। सपोज दैट हम यहाँ लिखते हैं जैनित कॉन्वेंट स्कूल। ठीक है, जैनित कॉन्वेंट स्कूल हो गया। अब देखिए हमने ये लिखा, यहाँ पे एक हमने स्कूल का नाम लिखा, एक वर्ड यहाँ है। हम ये चाहते हैं कि हम इस वर्ड को कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं, या मूविंग टेस्ट का मतलब हम यहाँ से कट कैसे करते हैं और पेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको इसे सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ माउस से क्लिक करके ड्रैग करेंगे और ये सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद आप इसे कॉपी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सेलेक्ट करने के लिए, अगर आप पूरी लाइन को एक साथ करना चाहते हैं तो माउस के पॉइंटर को आप किनारे लेके आइए और क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट हो गया। कॉपी करने के लिए आप यहाँ राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको कॉपी हियर दिख रहा है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। या दूसरा भी तरीका हमारे पास है, कहीं भी आप राइट क्लिक करिए और आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी तभी होगा जब ये सेलेक्टेड होगा। देखिए यहाँ हम यहाँ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी, ये टेक्स्ट हमारा कॉपी हो गया। अब हम इसे कहीं पेस्ट करना चाहते हैं तो कर्सर हमारा यहाँ ब्लिंक कर रहा है। पेस्ट करने के लिए हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखिए पेस्ट हो गया। कॉपी और पेस्ट में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कॉपी में ओरिजिनल टेक्स्ट भी होता है और न्यू जगह यानी स्थान दोनों जगह सेम, स्थान अलग अलग होगा लेकिन वर्ड दोनों सेम होगा। देखिए वो जैनित कॉन्वेंट स्कूल का जो टेक्स्ट था यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, अगर हमें कट करना हो तो कट कैसे करेंगे, हम देखिए इसको अब दोबारा इरेज कर दिए। कट करने के लिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए और कट पर क्लिक करिए। देखिए यहाँ से कट हो गया। जहाँ आप इसको पेस्ट करेंगे कर्सर हमारे यहाँ ब्लिंक कर रहा है, हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन हमको दिखेगा, हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ मूव होके चला आया। तो कट करके जब हम पेस्ट करते हैं तो हमारा टेक्स्ट मूव होता है और जब हम कॉपी करते हैं तो हमारा टेक्स्ट का ओरिजिनल रहता है और उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाती है। ठीक, अगला टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस कैसे करते हैं, यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है, हम ये चाहते हैं कि जहाँ कॉन्वेंट है वहाँ पब्लिक हो जाए, तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है फाइंड एंड रिप्लेस मेनू, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। ठीक, फाइंड पे आप क्लिक करिए। जैसे आप फाइंड पे क्लिक करेंगे जो चीज़ आप फाइंड करना चाहते हैं आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, दूसरा भी तरीका आप यहाँ देखिए, आपने यहाँ फाइंड पे क्लिक किया जो चीज़, जैसे हमने यहाँ स्कूल लिखा, इंटर की रख क्लिक करिए, देखिए ये फाइंड पूरे पेज में। अगर आपका सपोज दैट 100 पेज होता तो जो वर्ड आप यहाँ टाइप करते वो वर्ड आपको सर्च करके बता देता कि वो किस पोजीशन पर है वर्ड, समझ में आ गया। उसके बाद अगर आपको रिप्लेस करना होता है तो हम रिप्लेस मेनू पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस मेनू आ गया। रिप्लेस हमने यहाँ सेलेक्ट किया है स्कूल, हम ये चाहते हैं कॉन्वेंट को हमें पब्लिक में कन्वर्ट करना है, तो क्या आपको रिप्लेस करना है कॉन्वेंट, तो आप यहाँ लिखिए कॉन्वेंट, हो गया। कॉन्वेंट लिखने के बाद रिप्लेस करना किस में, पब्लिक में, हमने यहाँ लिखा पब्लिक, हो गया। अब आप इसको रिप्लेस पे क्लिक करिए, ठीक है, रिप्लेस ऑल करिए, ओके करिए। देखिए यहाँ क्या हो गया, जहाँ आपका कॉन्वेंट लिखा हुआ था वहाँ आपका पब्लिक हो गया। ठीक,
अगला अगर आप एक साथ जंप करके जाना चाहते, सपोज दैट आप पेज नंबर 1 पर है और आप ये चाहते हैं हमको पेज नंबर 100 पर जाना है, तो उतनी बार आपको स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ क्लिक करिए, गो टू पर जाइए, जिस पेज नंबर पर आप जाना चाहते हैं, पेज नंबर, सेक्शन, लाइन, आप यहाँ से जिस भी मेनू को सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप जंप करेंगे। हमने लिखा पे, हम यहाँ टाइप कर देंगे 20, हमने लिखा यहाँ 20, उसके बाद हम लिखेंगे क्लिक करेंगे गो टू, हम जंप करके पेज नंबर 20 पर चले जाएंगे। लेकिन हम यहाँ जंप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने एक सिंगल पेज लिया है, इसलिए हमारा जंपिंग का प्रोसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा टेक्स्ट को कैसे फाइंड करते हैं, रिप्लेस करते हैं और कैसे हम लोग जंप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। जैसे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर का मतलब कि जो प्रिंट नहीं होता, जैसे स्पेस, सेमी कॉलन, टैब, ये सब प्रिंट नहीं होता, ये सब हमें दिखेगा नहीं लेकिन होता है। जैसे देखिए हम यहाँ एक टैब प्रेस किए, हमारा जंप हो गया आ गया, लेकिन हम प्रिंट करेंगे तो ये हम आपको, ये हमें विजिबल नहीं होगा। ठीक, ऐसे हम लोग ग्रामर की भी चेकिंग कर लेते हैं। जैसे ग्रामर की चेकिंग देखिए कैसे होता है, सपोज दैट हम मैंगो लिखना चाहते हैं, हमारे मैंगो की स्पेलिंग MANGO होता है, हमने यहाँ A कर दिया, यानी स्पेलिंग हमारा गलत है। ठीक है, अब इसको एडिट करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और स्पेलिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दिखा रहे हैं हम आपको,